हेलो गाइस, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोग का देहरादून की एक और न्यू अपडेट में। और ये अपडेट है देहरादून दिल्ली देहरादून हाईवे की। और गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली अपडेट देखी होगी मोबियाला से सीधा डाटकाली माता मंदिर तक की, और ये आज मैं आप लोग को डाटकाली माता मंदिर से लेकर सीधा आर्यन ब्रिज तक की अपडेट दिखाऊँगा आप लोग को। और इस डाटकाली माता मंदिर से लेकर आर्यन ब्रिज तक इस हाईवे को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। बीच में बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसकी भी मैं आप लोग को अपडेट दूंगा कि कहां पर काम बाकी है और कहां तक इस हाईवे को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। सो गाइस, अगर आप लोग को ये अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोग के लिए नई से नई अपडेट लेकर आता रहूँ। तो चलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ मैं इस दिल्ली देहरादून हाईवे की एक और नई अपडेट। सो गाइस, आप फ्रंट कैमरे से देख सकते हैं इस थर्ड वाली सुरंग को कितने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। सो गाइस, थोड़ा सा पास में चल के आप लोग को मैं इस थर्ड वाली सुरंग की अपडेट देता हूँ। क्या इधर इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये उत्तराखंड लिखा गया है, और इधर ये हैंड्स बनाए गए हैं, ये स्वागत के लिए बनाए गए हैं, जो भी उत्तराखंड में आए उनका भव्य स्वागत हो। तो इधर ये ब्रह्म कमल लगाए गए हैं, इसमें ये देख सकते हैं दोनों साइड में ब्रह्म कमल बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं इधर। और अंदर से भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये अंदर से देख सकते हैं आप लोग। पहले इस सुरंग में लाइटिंग नहीं की गई थी, और अब के समय में आप देख सकते हैं दोनों साइड में लाइट लगा दी गई, जिस तरीके सेकेंड वाली सुरंग में दोनों साइड लाइट लगी है, क्योंकि दिन के समय में भी इसमें काफ़ी अंधेरा रहता है। और बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है इस सुरंग के अंदर। तो गाइस, चलता हूँ फिर मैं आप लोग को इस थर्ड वाली सुरंग से और आर्यन ब्रिज तक की फुल अपडेट दिखाता हूँ, और चलकर दिखाता हूँ आप लोगों को कितना इस हाईवे पर काम हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है, क्योंकि बीच बीच में इस हाईवे पर काम करना बाकी है और थोड़ा थोड़ा उसको कम्प्लीट किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली अपडेट देखी होगी मोबियाला से सीधा डाटकाली माता मंदिर तक की, तो बीच बीच में मैंने आप लोग को दिखाया कि कुछ काम करना बाकी है, तो कहीं कहीं पर काम कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो चलता हूँ फिर आगे की और अपडेट दिखाता हूँ मैं आप लोग को, और आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और देखते रहे मेरी हर अपडेट। गाइस, अभी मैं चल कर आया हूँ थर्ड वाली सुरंग से, और ये देख सकते हैं इधर ये पुल बनाया गया है, उस वक्त ये पुल नहीं बनाया गया था, तो अभी इसको तैयार किया गया और आगे भी एक पुल बनाया गया काफ़ी बड़ा, तो उससे होकर फिर मैं इस वाले पुल से होकर इधर से आज सीधा निकलूँगा। और पहले भी मैंने आप लोग को इधर की अपडेट दिखाई थी, और आगे जाकर काफ़ी एक बड़ी पहाड़ी काटकर इस हाईवे को निकाला गया था, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा। और ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर इतना हाईवे को कम्प्लीट नहीं किया गया, और आगे जाकर इस हाईवे को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, उसकी भी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगा। अभी इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं किया गया, और यहाँ पर बहुत काम करना अभी बाकी है। तो अभी ये साइड में छोटा सा एक पुल बनाया गया है अभी यहाँ पर, तो चलता हूँ और आगे की और अपडेट मैं आप लोग को देता हूँ। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये इधर ये काफ़ी बड़ी पहाड़ी है, उसको काट कर फिर इस हाईवे को निकाला गया, और आगे चलकर मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सो गाइस, इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं अभी बहुत ही ज़्यादा काम करना बाकी है, यहाँ पर 60 से 70% काम पूरा किया गया है और इतना कंप्लीट नहीं किया गया, कि इसमें बहुत काम करना बाकी है यहाँ पर, और आगे चलकर और अपडेट दिखाता हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन पल्ली ऊपर पहाड़ी के ऊपर पड़ी है, और इस साइड में भी, तो ये काफ़ी बड़ी पहाड़ी थी, इस बड़ी पहाड़ी को काटकर फिर इस हाईवे को यहाँ से निकाला गया, और बहुत ही मेहनत की गई थी, कम से कम 6 से 7 जो क्रेनें थी इसमें लगी थी इस पहाड़ी को काटने में, और काफ़ी ट्रक भी लगे थे जो मिट्टी इसकी उठा उठा कर एक हाईवे पर डाल रहे थे जहाँ पर मिट्टी की ज़रूरत थी। तो अब आप देख सकते हैं पूरा कम्प्लीट एक ये हाईवे यहाँ पर निकाल दिया गया है, और आगे चल कर थोड़ी और अपडेट मैं आप लोग को देता हूँ इस वक्त। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी पहाड़ी थी ये, इस साइड में भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ ऊपर तक, और बहुत ही ऊंची पहाड़ी है ये। इस वक्त इसको पन्नी से ढका गया ताकि जो मलबा है इसका नीचे ना गिरे इस हाईवे पर, क्योंकि बारिश की वजह से जो पहाड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा धस जाती है, तो उसका मलबा नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इस बेस पर यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी पल्ली इसके ऊपर डाली गई है।
पहाड़ी के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को, ये आगे मशीन खड़ी है, इससे भी कुछ काम किया जा रहा है इस हाईवे पर। कि मैं आप लोग को बताया था कि इस हाईवे की जब से शुरुआत हुई थी तब से मैंने आप लोग को इसकी अपडेट दी है, उसी तरीके से देहरादून पोंटा हाईवे की भी आप लोग को अपडेट दी है जब से उस हाईवे को चालू किया गया था बनाने के लिए। तब से मैं और अब तक उसकी अपडेट देता आ रहा हूँ और उस हाईवे को अब के समय में काफ़ी कंप्लीट कर दिया गया है और इसकी अपडेट आप लोग समय समय पर देखते ही होंगे। तो इसकी भी अपडेट आप लोग समय समय पर देखते रहते हैं, तो आगे भी इसी तरीके से इसकी अपडेट देखते रहेंगे जब तक इस हाईवे किया जाता है, तो मैं आगे तक भी इसकी अपडेट आप लोग को ज़रूर दूँगा। ये देख सकते हैं इधर पुराने वाला हाईवे है ये देहरादून का, और आजकल सावन का पर्व चल रहा है तो बहुत ही कांवड़िए देहरादून की तरफ जा रहे हैं। मैंने आप लोग को इधर की अपडेट दिखाई है, तो आगे चलकर और थोड़ी अपडेट मैं आप लोग को दिखाता हूं। और आगे इस हाईवे को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है और यहां पर भी अभी काम करना बाकी है, क्योंकि अभी साइड साइड में डिवाइडर भी बनाए जाएंगे, जिस तरीके से बीच में ये डिवाइडर बनाया गया है तो ये साइड में भी इस तरीके से डिवाइडर बनाए जाएंगे, और फिर इसके ऊपर एक लेयर और डाल के तारकोल और बजरी की, तो फिर इस हाईवे को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फिर इसके ऊपर ट्रैफिक चालू करने की भी योजना बनाई जाएगी, कब इस हाईवे पर ट्रैफिक चालू किया जाएगा। तो चलता हूँ और आगे की अपडेट आप लोग को दिखाता हूँ मैं आगे चल कर, आगे इस हाईवे को पूरा कम्प्लीट कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली अपडेट में दिखाया था कि इस हाईवे के दोनों साइड में काफ़ी बड़ी बड़ी जालियाँ लगा दी गई है, और जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि उसका गलत तरीके से मैंने आप लोग को कुछ सजेशन किया था कि इसको इस तरीके से लगाया गया ताकि जानवर ना आए, तो उसकी भी मैं आप लोग को बताऊंगा उसका रीज़न क्या है लगाने का। तो चलता हूँ फिर आगे चल कर आप लोग को बताता हूँ मैं। आज मैं आप लोग को ये पूरी अपडेट दिखाऊँगा, इधर के दोनों साइड में आप देख सकते हैं ये जाली लगा दी गई और काफ़ी मजबूत जाली है ये, और ये जाली जानवरों के लिए नहीं लगाई गई ताकि के जानवर इसके ऊपर आए हाईवे के ऊपर, ये उस बेस पे नहीं लगाई गई, ये इस बेस पे लगाई गई ताकि जो गाड़ी हॉर्न बजाती है और इन पहाड़ी एरियों में काफ़ी आवाज़ गूंजती है, तो इसकी वजह से जो आवाज़ है वो दबी रहेगी, गूंजेगी नहीं, और दूसरे बंदे को सुनाई भी दे जाएगी, गूंजेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ इस हाईवे पर चलेगी तो आवाज़ गूंजेगी। तो इस बेस पर ये चीज़ और इसी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा काम कंप्लीट कर दिया गया है, बीच बीच में थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम बचा है इस हाईवे में, बाकी सारा काम इस पर कम्प्लीट कर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। आगे थोड़ा और चल के आप लोग को मैं अपडेट देता हूँ इस हाईवे की, ये देख सकते हैं मैं दूर दराज तक आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, इस तरीके से पूरे हाईवे पर यहाँ पर ये जाली लगाई गई है, और ये देहरादून के क्षेत्र में नहीं, इस तरीके से किया गया, ये पूरे दिल्ली से लेकर और देहरादून तक इसी तरीके से हाईवे पर ये जाली लगाई, इस हाईवे को इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर दिया गया। और पहले मैं जब आप लोग को इस हाईवे की अपडेट देता था तो मैं नीचे वाले हाईवे से आप लोग को इस हाईवे की अपडेट दिया करता था, तो आज मैं इस हाईवे के ऊपर साइकिल चला कर और आप लोग को मैं इस हाईवे की अपडेट दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं पूरा कम्प्लीट कर देगा काफ़ी आगे तक, और बहुत ही तेज़ी से इस क्षेत्र में काम किया गया है, बीच बीच में इस हाईवे पर काम नहीं किया गया था क्योंकि बीच में काफ़ी बड़ी पहाड़ी थी और पहाड़ी को काटना काफ़ी मुश्किल था, तो इसलिए इस पर अभी काम रुका पड़ा था, और आज के समय में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आगे चलकर थोड़ी और अपडेट मैं दिखाया था आप लोग को, वैसे तो इस हाईवे पर आकर अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, तो फिर भी मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ आप लोग को इस हाईवे की अपडेट दूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस हाईवे की अपडेट देते हुए से है, क्योंकि आप लोग की बहुत इच्छा है कि इस हाईवे को कब कंप्लीट किया जाएगा, कितना काम बाकी है इसमें, कितना काम हो चुका है, तो इस हाईवे की जो अपडेट है सिर्फ मेरे ज़रिए आप लोग को समय समय पर दी जाती है, जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे कि मैं आप लोग को हर महीने हर हफ्ते इस हाईवे की अपडेट समय समय पर देता रहता हूं, तो आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मैसेज भी करते हैं। ये आप देख सकते हैं जगह जगह पर जो पीले और ब्लैक कलर के एरर इन्होंने लगा दिए गए हैं ताकि रात के समय इनको इस चीज़ से दिखाई दे, क्योंकि ये रात के समय में काफ़ी चमकते हैं, तो इसलिए ये लगाए जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी लाइट लूट तो नहीं लगाई गई और ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है कि यहाँ पर लाइट लगाई जाएगी, लग तो नहीं रहा है कि अगर लाइट लगानी होती तो यहाँ पर काफ़ी पोल खड़े कर दिए जाते हैं इस हाईवे पर,
तो ऐसा कोई लाइट का सिस्टम नहीं है और जंगलों में काफ़ी अंधेरा रहता है तो गाड़ियों की लाइटों से काफ़ी रोशनी रहती है। तो अभी फ़िलहाल इसकी कोई अपडेट नहीं है कि इसके ऊपर लाइट लगाई जाएगी या नहीं, तो देख सकते हैं आप लोग। फ़िलहाल तो ये इसको कंप्लीट कर देगा दोनों साइड से, पूरी जाली गाड़ी आप देख रहे हैं। अभी इस हाईवे पर गाड़ी चालू नहीं की गई क्योंकि अभी इस पर ही जो गाड़ियाँ चल रही है ये इस हाईवे के वर्कर हैं जो इन गाड़ियों में सामान सुमून लेकर जाते हैं, तो अभी उनको अलाव है, बाकी किसी और को अलाव नहीं है इस हाईवे पर गाड़ी चला। गाइस, मुझे भी काफ़ी रोका जाता है इस हाईवे पर वीडियो बनाने के लिए, और इतनी दिक्कत मुझे देहरादून पोंटा हाईवे पर नहीं होती वीडियो बनाने में। वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं, किस बेस पे बना रहे हैं, क्या रीज़न है तुम्हारा। तो यहाँ पर सारी बातें पूछी जाती है कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, किसने भेजा है, किसकी तरफ से हो, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो उन लोगों में बताता हूँ कि मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो इसलिए ये थोड़ा मान जाते हैं, बाकी तो सब मना कर ही देते हैं यहाँ पर। और काफ़ी मना किया गया मुझे, फिर भी मैं आप लोग को यहाँ की अपडेट देता रहता हूँ समय समय पर, और कोशिश यही करता हूँ कि आप लोग को इसकी अपडेट मिलती रहे। हाईवे पर 12 सेंटर बनाए जाएंगे, जैसे गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप गाड़ी वहाँ पर सही करा सकते हैं, और उसमें कई सुविधा होगी, जैसे कि पेट्रोल की सुविधा होगी, अगर आप लोग को खाना पीना है तो उसकी भी सुविधा आप लोग को उसमें मिलेगी, और भी कई अन्य सुविधा आप लोग को उसमें मिलेगी। तो ये 12 से 13 सेंटर ऐसे इसमें बनाए जाएंगे ताकि इस हाईवे के बीच में कोई भी गाड़ी ना खड़ी हो, क्योंकि जगह जगह पर आप लोग देखते हैं कि कहीं पर भी कोई भी गाड़ी खड़ी हो जाती है तो वो काफ़ी लंबे समय तक खड़ी रहती है, तो उसके लिए मिस्त्री मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए इस हाईवे पर 12 से 13 सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे जिससे यातायात को काफ़ी फ़ायदा होगा, और जो रोड पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है वो खड़ी नहीं रहेगी, और ट्रैफिक को भी काफ़ी। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं मैं अभी इस साइड से आया हूँ, मैं जूम करके दिखाया था आप लोग को, और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी पहाड़ी थी, इस पहाड़ी को काटकर फिर इस हाईवे को निकाला गया यहाँ पर, और इस क्षेत्र में भी यहाँ पर ये काम कंप्लीट नहीं किया गया, जिस तरीके से आगे देखो कंप्लीट कर दिया गया और साइड साइड में ये जाली लगा दी गई आगे, तो आगे भी चल के मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। और इस साइड में ये दीवार इसलिए बनाई गई क्या ताकि भूस्खलन ना आए, और जो उसका भूस्खलन की मिट्टी है सारी जो इस हाईवे के ऊपर ना गिरे, इसलिए ये साइड साइड में दीवार बनाई गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचे ये पहाड़ी, जैसे कि बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश का सीज़न जो चलता ही रहता है हमेशा, और कभी भूस्खलन हो सकता है, तो इसलिए दीवार बनाई गई है ताकि भूस्खलन की वजह से ये मिट्टी इस दीवार पर रुक जाए और हाईवे के ऊपर ना आए, तो इसलिए बड़ी सी दीवार बनाई गई है। और इस दीवार में छोटे छोटे पाइप बनाए गए ताकि जो पानी का प्रेशर है सीधा इस दीवार के ऊपर ना पड़े, और वो पानी इन पाइपों के जरिए सीधा हाईवे पर गिरता रहे। छोटे छोटे पाइप इसलिए बनाए गए, और अभी भी थोड़ा बहुत 2-3 पाइपों से पानी गिर रहा है, और इनका लगाने का रीज़न ही यही है पाइपों का कि थोड़ा थोड़ा पानी इनसे गिरता रहे हाईवे के ऊपर, उससे चलेगा। अगर इकट्ठा ये पूरा दीवार नीचे गिर गई तो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है इसकी वजह से। तो आगे चलता हूँ और आगे की अपडेट मैं आप लोग को और देता हूँ। और गाइस, कभी मालूम नहीं था कि देहरादून में भी एक इस तरीके का हाईवे बनेगा, और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से देश में कई हाईवे बनते जा रहे हैं, और देहरादून में भी ऐसे कई हाईवे बन रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि देहरादून पोंटा हाईवे बन रहा है, आसरोड़ी झाझरा हाईवे बन रहा है, और मसूरी हाईवे भी बनने के लिए अभी तैयारी की जा रही है उसको, और मसूरी के लिए जो हाईवे बन रहा है उसकी भी तैयारी की जा रही है, अभी वहाँ पर कुछ ऐसा काम नहीं छेड़ा गया। और देहरादून में हाईवे का काफ़ी जाल बिछा दिया गया, जैसे कि हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे भी बनाया गया है, तो इन सब का मालूम नहीं था कि देहरादून में इस तरीके से हाईवे बनाए जाएंगे, और इसका तो मालूम ही नहीं था कि दिल्ली देहरादून हाईवे भी बनेगा कभी। तो जब से मोदी सरकार आई है तब से ये हाईवे बनते जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगा कि ये हाईवे बन रहा है यहाँ पर दिल्ली देहरादून का, और इससे अब के समय में लोग जो है 2.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे, जिनको 3 से 4 घंटे लगते थे वो आपके समय में वो 2.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे, और उनको काफ़ी आसानी होगी दिल्ली जाने में, और ट्रैफिक से काफ़ी निजात मिलेगा। अब गाइस, अगर आप लोग को लगता है कि ट्रैफिक से काफ़ी निजात मिलेगा और दिल्ली 2.5 घंटे में पहुँचा जाएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं काफ़ी आगे तक आ चुका हूँ और आगे काम चल रहा है अभी इस हाईवे पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर इधर कंप्लीट कर देगा, और आगे थोड़ा भी कंप्लीट करना बाकी है, आगे भी जाली नहीं लगाई गई इस हाईवे पर,
ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी नदी के बीच में इस हाईवे को बनाया जा रहा है और ये काफ़ी घना जंगल है सामने, देख सकते हैं आप लोग। और ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां इस हाईवे पर अभी काम कर रही है। इस गाड़ी के अंदर सीमेंट तैयार किया जाता है जो डिवाइडर बनाने के लिए काम में आता है, वो सीमेंट तैयार किया जाता है इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में। और देख सकते हैं आप, थोड़ा और आगे की मैं अपडेट आप लोग को देता हूँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। आसमान में काफ़ी बादल छाए हैं और आसमान आज बहुत ही साफ है। देहरादून में लगातार बारिश हो रही थी 3-4 दिन से, तो इस क्षेत्र में आना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो आज मौसम थोड़ा साफ था और संडे का दिन है। तो ये अपडेट मैं आप लोग को हर संडे के दिन में देने के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं बीच में वर्क करता हूँ किसी शॉप पर फ़ोटो फ्रेमिंग लैमिनेशन का, तो वहाँ से जब छुट्टी होती है संडे की तो तब मैं ये अपडेट आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे कि दिल्ली देहरादून हाईवे की और देहरादून पोंटा हाईवे की, आसरोली जाजर हाईवे की, इन सब की अपडेट मैं सिर्फ आप लोग को संडे के दिन ही दिखाता हूँ। इस वक्त मैं इस डिवाइडर पर चढ़ा हूँ जो इस हाईवे के बीचों बीच बना है, ये देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये हाईवे देखने में। और कंप्लीट हो गया है, इसकी भी काफ़ी खुशी है, और जब इस पर ट्रैफिक चल जाएगा तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। और जब से ये हाईवे की शुरुआत की गई है तब से और आज तक मैं इस हाईवे की आप लोग को अपडेट देता आ रहा हूँ, ये देख सकते हैं दूर दराज तक मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को, और आगे तक इसी तरीके से इसको कंप्लीट किया गया। और बीच में जैसे कि आर्यन ब्रिज है उस तक अभी ये काम पूरा नहीं किया है, बीच में एक बड़ी पहाड़ी है उस पहाड़ी को अभी काटा जा रहा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है इसको बीच में बनाने में हाईवे को। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोग को और भी आगे की अपडेट दूँगा इस हाईवे की चल के। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इधर ये जाली लगाना बाकी है, इस साइड में भी जाली नहीं लगाई गई और दूसरी साइड में जाली लगा दी गई है, और यहाँ पर अभी काम करना बाकी है। और ये आप देख ही सकते हैं इस हाईवे को पूरा कंप्लीट कर दिया गया यहाँ पर। तो चलता हूँ थोड़ा और आगे चल के आप लोग को अपडेट दिखाता हूँ इस हाईवे की। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, और जालियाँ नीचे पड़ी है, अभी जालियाँ नहीं लगाई गई, बस ये सिर्फ बीम अभी लगाए गए ऊपर, और आगे भी काफ़ी काम कर दिया गया इस हाईवे पर, देख सकते हैं आप लोग। और आगे की मैं अपडेट आप लोग को देता हूँ, मैं 3 से 4 किलोमीटर दूर तक चलकर आ चुका हूँ इस हाईवे पर। तो ये आप देख सकते हैं इसको पूरा कंप्लीट कर दिया गया है 3 से 4 किलोमीटर दूर तक, और आगे तक भी इसको पूरा कंप्लीट किया गया है, आगे भी काफ़ी काम करना बाकी है इस हाईवे पर, ये देख सकते हैं। आगे की और अपडेट मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। और गाइस, अगर आप लोग को ये अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हौसला बढ़ता रहे और आप लोग को नई से नई अपडेट मिलती रहे हमेशा। देख सकते हैं आप लोग, इस साइड में तो दोनों साइड इस जालियों को लगा दिया गया है, और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जाली लगाने का रीज़न यही है कि जो हॉर्न की आवाज़ है वो गूंजती नहीं, इनकी वजह से एक जगह स्थिर रहती है और सामने वाली गाड़ी को जो है हॉर्न सुनाई दे जाता है इसकी वजह से, तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम रहती है। 571 पिलरों के ऊपर इस हाईवे को टिकाया गया है, और ये सीधा दिल्ली तक इसी तरीके से हाईवे है पिलरों के ऊपर ही, देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यूपी जाऊँगा अपने गाँव, तो मैं वहाँ पर जाकर फिर आप लोग को थोड़ी शामली एरिए की और इसकी अपडेट दिखाऊंगा कि उस क्षेत्र में कितना काम इस हाईवे पर हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है, ये देख सकते हैं। काफ़ी आगे तक इस हाईवे को इसी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है, तो चलता हूँ फिर मैं आप लोग को आगे की फिर और अपडेट दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं। सो गाइस, इस गाड़ी में आप देख सकते हैं जो हाईवे के अंदर वर्कर है उनके साथ में मैं आज थोड़ा सा इस हाईवे का व्यू आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, और ये देख सकते हैं इसमें 3 से 4 वर्कर बैठे हैं ये, और इनका इरादा है कि आप गाड़ी के अंदर बैठ के और इस हाईवे की थोड़ी अपडेट दिखाएं। तो चलता हूँ मैं और आप लोग को दिखाता हूँ इसकी थोड़ी गाड़ी से अपडेट।
तो आप लोग कहाँ से काम कर रहे हो? हम लोग तो शुरू से नहीं, कहाँ से हो? मतलब यूपी से? हम लोग तो यूपी से हैं, ग्रेटर नोएडा। अच्छा जी, कुर्सी बहुत नीचे हो गई। सो गाइस, इस वक्त मैं हूँ इस गाड़ी के अंदर मौजूद, और ये देख सकते हैं बाहर से गाड़ी से नज़ारा इस हाईवे का। ये जो एयर नॉइस बैरियर का जो काम है ना, अच्छा ये हमारा ही काम है। अच्छा, आपका ही काम है ये नॉइस क्लियरेंस बैरियर का? मैंने सोचा ये उसके लिए बना होगा, जैसे कि जानवर जानवर होता है ना, और जो आवाज आती है ना, हाँ उसके लिए। तो मुझे किसी ने मैसेज किया था इसके बारे में कि भाई तुमने जो सजेशन है ना, इसके गलत वो दी इन्फॉर्मेशन ना, ये जानवरों के लिए नहीं लगाए, ये लगाया कि हॉर्न जो होता है गाड़ी का, हाँ तो इसलिए उस बेस पे लगाए। तो मैंने फिर बाद में जब दोबारा आया मैं इसके, तो मैंने फिर इसकी बाद में और अलग से डिटेल दिया मैंने, तो तब उसके बारे में मालूम नहीं था। जब मुझे पता चला कि ये तो हाईवे काफ़ी ऊंचा है, तो इतनी ऊंचाई पे जानवर आ नहीं सकते इसमें, तो बाद में किसी ने मेरे को मैसेज किया कि भाई जी ये गलत इन्फॉर्मेशन है और इसके बारे में दोबारा वीडियो बनाओ, तो तब बताओ कि ये हॉर्न हॉर्न जैसे होता है ना, गूंजती है पहाड़ों में, तो उसकी वजह से नहीं गूंज पाती, ये इसलिए जाली लगाई गई है। और ये तो दिल्ली तक ऐसी लग रखी पूरी। हाँ, मैं किसी ने और ने भी वीडियो डाल रखी ना इसकी, तो मैंने तब देखा था यूट्यूब पर ना, लेकिन देख के हाँ लोगों के जो ध्यान दून भटकते हैं ना। अच्छा, गाड़ी मोड़ते हैं इधर का। नाम क्या है वैसे? MD अली खान। और आपका भैया? भाई दिनेश। दिनेश, और आपका? सत्या। भैया आपका? अंकित। अंकित, अच्छा। तो भाई साहब, देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे साथ में जुड़े हैं इस वक्त और नए। सो गाइस, ये गाड़ी गई है अभी, और इस गाड़ी में 3 से 4 बंदे बैठे हैं, और सब मेरी साइड के बंदे हैं, यूपी के ही, तो इन्होंने अपनी भी वीडियो बनवाई है। सो गाइस, अभी जिनके साथ में मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, ये सब मेरे यूपी साइड के थे, शामली और सहारनपुर के, और इनका टेंडर यहाँ पर ये है जो आप लोग देख रहे हैं, इस हाईवे के साइड में जाली लगी है, तो इन जाली को लगाने का टेंडर इन लोगों का है, और इन्होंने भी यही बताया कि इन जाली को इसलिए लगाया जाता है जो गाड़ी हॉर्न मारती है, और पहाड़ी एरियो में बहुत आवाज़ गूंजती, हॉर्न गूंजते हैं गाड़ियों की, तो इनकी वजह से हॉर्न बेस पे ये जाली लगाई जा रही है, और ये जाली पूरी देहरादून से और दिल्ली तक लगाई जा रही है इसी तरीके से, तो ये टेंडर इन लोगों पर अभी जाली नहीं लगाई गई, और इधर जाली लगाना बाकी है, और सारा काम कंप्लीट हो चुका है इस हाईवे पर। मेरी मोबियाला से लेकर और डाटकाली माता मंदिर तक की अपडेट देखी होगी, वहाँ पर बीच में काम रुका पड़ा है इसी वजह से, और जब वो काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर ये हाईवे चालू कर दिया जाएगा। और इस हाईवे में अभी आर्यन ब्रिज के आसपास भी काम रुका पड़ा है, वहाँ पर भी अभी काम कंप्लीट नहीं किया गया। मैं आर्यन ब्रिज के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ, और आर्यन ब्रिज तक इस हाईवे को इसी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है, और जैसे कि आप लोगों ने मेरी अपडेट देखी होगी कि जो आर्यन ब्रिज से आगे की वहाँ पर अभी काम इतना कंप्लीट नहीं किया गया, बीच में भी पहाड़ी जो है काटी जा रही है, और फिर उस हाईवे को निकाला जा रहा है। जो इस हाईवे पर गाड़ियाँ चल रही है, ये गाड़ियाँ सिर्फ उनकी चल रही है जो इस हाईवे पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेंडर ले रखा है इस हाईवे का, वही इस हाईवे पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाकी और किसी की गाड़ियाँ इस हाईवे पर नहीं चल रही अभी। और जो बड़े बड़े ट्रक है इस हाईवे में काम कर रहे हैं, वो अभी चल रहे हैं इसके ऊपर, और बीच में इस हाईवे के ऊपर बजरी लाकर डाली जा रही थी ट्रकों द्वारा, तो ट्रकों का आधे ज़्यादा काम ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए इस पर अब ट्रक चलने भी बंद कर दिया गया है, और जब भारी भरकम ट्रक इसके ऊपर चलता है तो ये हाईवे काफ़ी हिलता है, ये देख सकते हैं काफ़ी दूर तक इस तरीके से इस हाईवे को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। इधर ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, और इधर ये हाईवे काफ़ी सटा हुआ है इस नए वाले हाईवे से, ये देख सकते हैं। और जब कभी भी इस हाईवे को चालू किया जाएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर इसकी अपडेट दूंगा, फ़िलहाल तो अभी इस हाईवे को चालू नहीं किया गया, अभी इस पर काम करना बहुत बाकी है। तो ये देख सकते हैं, इधर ये काफ़ी घना जंगल है,
और यहाँ पर कुछ गाय भैंसे चारा चल रही है, ये देख सकते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें इसमें अभी काम कर रही है, और इस साइड में जाली लगाई गई है, साइड में भी जाली लगा दी गई है, और इस साइड में भी लगाई नहीं गई है, ये देख सकते हैं। और आगे की अपडेट मैं आप लोग को दिखाई, सामने कितनी बड़ी पहाड़ी है, और जैसे कि ये हाईवे बना है तो यहाँ पर भूस्खलन का भी काफ़ी डर बना रहेगा आने वाले समय। दिल्ली देहरादून का पुराने वाला हाईवे दिखाया हूँ, और इस हाईवे से 10 कदम दूरी पर है, ये देख सकते हैं इधर, ये सामने पुराने वाला हाईवे चल रहा है, और ये नीचे नदी बह रही है इधर, और बहुत बड़ी नदी के बीच में इस हाईवे को तैयार किया जा रहा है, ये देख सकते हैं दूर दराज तक। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को, इस तरीके से इस हाईवे को कंप्लीट किया गया है, और मैं 10 से 12 किलोमीटर दूर चलकर आ चुका हूँ इस वक्त इस हाईवे पर। इधर भी मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को, ये देख सकते हैं, और बीच बीच में ये इस तरीके के साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। और ये रात के समय में जब लाइट पड़ती है गाड़ियों की तो तब चमकते हैं ये, क्योंकि अगर ये एरो नहीं लगाए जाएंगे तो ये बीच में जो डिवाइडर है, इन डिवाइडर की वजह से कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये इसीलिए डिवाइडर के ऊपर लगाए गए हैं ताकि दूर से दिख जाए और एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि ये हाईवे है, काफ़ी ऊंचाई पे है, 12 से 13 फुट ऊंचाई पर है, अगर बाय चांस गाड़ी डिवाइडर से टकराएगी तो डिवाइडर से उछल के सीधा नदी के अंदर गिर सकती है, तो ये एरो इसीलिए लगाए गए ताकि दिखाई दे जाए डिवाइडर है, लाइट चमक जाए। पहली बार मैं इस हाईवे पर 12 से 13 किलोमीटर दूर आया हूं, क्योंकि बीच में काम चल रहा था, आने का कोई रास्ता नहीं था, और जहां पर भी काम चल रहा था वहां से मना कर दिया जा रहा था कि आप आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं आगे नहीं आया था। तो आज के समय में आप देख सकते हैं इसको 12 से 13 किलोमीटर दूर तक हाईवे को कम्प्लीट कर दिया गया है, तो आगे भी इसको और कम्प्लीट कर दिया गया है, आगे की और अपडेट मैं आप लोग को दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से, और बीच में देख सकते हैं कितना बड़ा डिवाइडर और काफ़ी ऊंचा बनाया गया है, ये 3 से 4 फुट इस हाई डिवाइडर को ऊपर उठाया गया है, ये देख सकते हैं।